छात्रों को मिला न्याय। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स स्वीकार देने होंगे दोबारा परीक्षा। नीट यूजी 2024 की धांधली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की दलील सुनने के बाद 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन्हें फिर से एग्जाम देने होंगे। वैसे विद्यार्थी जो दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनके परिणामों से ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा। बताया गया कि 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, उसके बाद ही काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही एनटीए ने कहा कि दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले भी आ सकता है। वहीं इस मामले को लेकर केंद्र ने कहा कि एमबीबीएस बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। बता दें कि नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिससे ग्रेस मार्क्स रीएग्जाम और परीक्षा कैंसिलेशन वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह काउंसिलिंग नहीं रोकेंगे, वह पूर्ण रूप से जारी रहेगी। अगर परीक्षा दोबारा होती है तो सब कुछ दोबारा किया जाएगा, इसलिए छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स बिल्कुल गलत हैं। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य की बात करें तो क्या दोबारा एनटीए पर भरोसा करना सही होगा? एनटीए ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए एक ऐसा कदम उठाया, इसके बारे में किसी को ना पहले से जानकारी थी और ना ही बाद में किसी को पता चला। याचिका दायर और विरोध प्रदर्शन होने के बाद कहीं जाकर या ग्रेस मार्क्स होने की बात खुली।